please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. गुजरात की वडगाम समेत चार विधानसभाओं के छह पोलिंग बूथ पर दोबारा वोटिंग हो रही है। तकनीकी दिक्कतों की वजह से वडगाम, वीरमगाम, सवली और दसक्रोई के छह बूथों पर दोबारा वोटिंग। पंजाब के नगर निकाय चुनाव के लिए सुबह 8 बजे से मतदान जारी है। पंजाब में आज शाम 5 बजे तक मतदान के बाद मतगणना शुरू होगी। हार्दिक पटेल ने एक बार फिर ट्वीट कर ईवीएम हैक करने की आशंका जताई। बीजेपी सांसद संजय काकड़े ने गुजरात में बीजेपी की हार की आशंका जताई है। जीतेगी और शायद कांग्रेस सरकार भी बना पाएगी और हम लोग सरकार बनाने तक वहां तक नहीं पहुंच सकते। शरद यादव ने ईवीएम को लेकर उठे सवालों को चुनाव आयोग की साख गिराना बताया। लोकतंत्र की साख को और इस संस्था के साथ दोनों को सांप को बचाना बहुत जरूरी है। लालू यादव के मुताबिक एग्जिट पोल गलत हैं और गुजरात में कांग्रेस की जीत होगी। गुजरात में मतगणना के दौरान पर्यवेक्षक के अलावा कोई भी हॉल में मोबाइल नहीं ले जा सकेगा। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने ईवीएम पर सवाल उठाए और एग्जिट पोल को पूरी तरह नकार दिया। उन्नाव में सीएम योगी यूपी में घर घर बिजली पहुंचाने की योजना सौभाग्य का शुभारंभ करेंगे। बीजेपी के पूर्व विधायक जीपी तिवारी के बेटे की लखनऊ में गोली मारकर हत्या कर दी गई। बीजेपी के पूर्व विधायक के बेटे वैभव की घर से बुलाकर अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। मुजफ्फरनगर दंगा मामले में बीजेपी विधायक सुरेश राणा संगीत सोम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक विधायक पर पीएम मोदी और शिवराज के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगा है। बेवकूफ बनाने की। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने नसीहत दी कि ऐसी भाषा से कांग्रेस की छवि खराब होती है। जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस के नेता करते हैं उससे कांग्रेस की छवि भी खराब होती है। पीएम मोदी सीएम शिवराज पर अभद्र टिप्पणी करने वाले कांग्रेस विधायक से बीजेपी ने इस्तीफा मांगा। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार क्रिसमस के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पर ट्रॉल हुए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में दानिश नाम के आतंकी ने समर्पण किया। घुटने में चोट की वजह से सानिया मिर्जा ऑस्ट्रेलियन ओपन नहीं खेल पाएंगी। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने दुबई सुपर सीरीज के फाइनल में जगह बना ली। हैदराबाद में दो महिला फाइटर पायलट प्रतिभा और शिवांगी भारतीय वायुसेना में शामिल हुई। जब ये विंग्स मिल जाते हैं और ये हो जाता है कि हाँ नाउ यू बिकम अ फाइटर पायलट तो बहुत अच्छा लगता है। ग्रीस के एथेंस में 200 लोगों ने सेंटा का लिबास पहनकर सेंटा रन में हिस्सा लिया। अमेरिका में अलास्का के हवाई अड्डे पर दो पोलर बियर रनवे पर दौड़ते नजर आए। अर्जेंटीना में पनडुब्बी न मिलने के बाद नौसेना प्रमुख को बर्खास्त कर दिया गया। पीएम मोदी 19 दिसंबर को ओखी प्रभावित इलाकों का दौरा कर सकते हैं। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर में सड़क के विकास के लिए 90,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज अगरतला में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। भारतीय रेलवे होटल और विमान कंपनियों की तरह टिकट बुकिंग पर छूट देने की तैयारी में है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया बीजेपी को रोकने के लिए फिर चुनाव लड़ेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने संसद में पंचायत तक के चुनाव एक साथ होने की वकालत की। उत्तर प्रदेश में सामूहिक विवाह योजना के तहत दुल्हन को 3,000 का मोबाइल और 35,000 रुपए दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में अमजद अली खान को तानसेन समारोह में ना बुलाने पर पर्यटन मंत्री ने माफी मांगी। उत्तर प्रदेश के बागपत में पशु कारोबारी की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी।
मुजफ्फरनगर में पुलिस की मौजूदगी में छेड़खानी के आरोपी को पंचायत ने जूते मारकर छोड़ दिया। हाथरस में मनचलों की धमकी से परेशान एक छात्रा ने स्कूल जाना छोड़ दिया। मैं कॉलेज जाती हूं तो रास्ते में छेड़छाड़ करता है लड़का। यूपी सरकार ने ऐलान किया कि 32,000 फ्लैट खरीदारों को 31 दिसंबर तक अपना घर मिल जाएगा। इलाहाबाद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने न्याय में देरी होने को अन्याय बताया। न्याय मिलने में देर होना भी एक तरह का अन्याय है। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ने राज्यों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। दिल्ली के मुकंदपुर में आउटर रिंग रोड के फ्लाईओवर का उद्घाटन करते वक्त केजरीवाल को काले झंडे दिखाए गए। दिल्ली के मुकंदपुर में केजरीवाल को काले झंडे दिखाने के दौरान बीजेपी और आप कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दिल्ली के रानीबाग में महिला की हत्या के बाद शव को बोरे में ले जाने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। दिल्ली में एक महिला ने गैंगरेप और लूटपाट का केस दर्ज करवाया। दिल्ली के सुल्तानपुरी में नई स्कॉर्पियो गाड़ी चोरी होने की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। तीनों आते हैं और हमारी गाड़ी को आगे पीछे करके और शीशा तोड़ के और उसको ले जाते हैं। दिल्ली पुलिस ने जैमर लगाकर वारदात को अंजाम देने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार किया। आतंकी संगठन जमात उद दावा के सरगना हाफिज सईद ने फिर एक बार भारत को गीदड़ भभकी दी। तो दुनिया में मारूफ दहशत गर्दों और किसने बनाया जी, इंडिया ने। इंटरपोल ने जाकिर नाइक के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की अपील खारिज की। गुजरात चुनाव के लिए सिक्किम से आए जवानों ने लौटने से पहले अहमदाबाद में गरबा खेला। बांग्लादेश ने विक्ट्री डे पर 27 भारतीय पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित बयान को लेकर लालू और तेज प्रताप पर सीतामढ़ी में मामला दर्ज हुआ। नीतीश सरकार की रेत खनन नीति के खिलाफ आरजेडी ने 21 दिसंबर को बिहार बंद बुलाया है। सिवान की जिला परिषद अध्यक्ष संगीता देवी ने रंगदारी ना देने पर जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया। झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा को कोयला घोटाले में 3 साल की सजा हुई। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के नगर निगम पार्षदों और नगर पंचायत अध्यक्षों से मुलाकात की। मेरठ की छात्रा आलिया खान का राज्य स्तरीय गीता गायन प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। यूपी के अंबेडकर नगर की एक महिला ने पति पर फोन पर तलाक देने का आरोप लगाया। यूपी पुलिस ने फैजाबाद में पहचान छिपाकर रिक्शा चला रहे इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। लखनऊ की एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में चोर 22 लाख की चोरी कर फरार हो गए। वाराणसी में एक सफाई कर्मचारी की वजह से कार में बंद हुए बच्चे की जान बच गई। बुलंदशहर में रैन बसेरों के इंतजार में गरीब कड़कड़ाती ठंड में सोने को मजबूर है। उत्तराखंड सरकार ने साल 2018 के अवकाश कैलेंडर में साल की 7 छुट्टियां कम कर दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ पर बंदूक तानने वाले सिपाही रत्नेश पर केस दर्ज हुआ। मंदसौर में गोदली बेटी के रेप के आरोप में पुलिस ने पिता को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के थार में 4 साल की बच्ची के दुष्कर्म के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई। भोपाल के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की लापरवाही की वजह से नवजात की मौत का आरोप लगा। जबलपुर में नसबंदी के बाद महिलाओं को बिस्तर की जगह जमीन पर लिटा दिया गया। बीजेपी नेता विश्वास सारंग को रोक करके महिलाओं ने बिजली पानी की समस्या को लेकर विरोध जताया। कोटा मेडिकल कॉलेज में राजस्थान के चिकित्सा मंत्री को रेजिडेंट डॉक्टरों ने घेर लिया। राजस्थान के धौलपुर में एक पिता पर अपनी नाबालिग बेटी की हत्या का आरोप लगा। जयपुर के एक स्कूल में जर्मनी के छात्रों ने हिंदी गीत गाए और हिंदी गीतों पर डांस किया।
आज विशाखापट्टनम में भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मैच खेला जाएगा। सेना के मुताबिक भारतीय सेना डोकलाम में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। हंडुरस में राष्ट्रपति चुनाव में धांधली के आरोप के बाद लोगों ने प्रदर्शन किया। जर्मनी में आयोजित महिला स्की चैंपियन प्रतियोगिता में जापान की टीम ने जीत दर्ज की। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने गांधीनगर में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने पर हैदराबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में यूपी के एक आदमी से हाथी के दांत और भालू के बाल बरामद हुए। महाराष्ट्र के 12 जिलों में पीने के पानी में ज्यादा फ्लोराइड होने से लोग परेशान हैं। मालवणी मर्डर केस में मृतक लड़की के दोस्त का नार्कोटेस्ट हो सकता है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में प्रशासन ने आदिवासियों के घरों के आगे मैं गरीब हूं लिखा। परिवार ऐसे जिनको राशन अभी भी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, हेडपंप खराब है। कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर गरीबों के साथ मजाक करने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक षड्यंत्र है क्योंकि वही ऐसी हरकतें करते हैं। हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह ने एग्जिट पोल को झूठा बताते हुए कांग्रेस की जीत का दावा किया। ईवीएम पर उठे सवालों के बीच गुजरात की कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी से मुलाकात की। शिमला में हिमाचल रोडवेज की बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने शोएब इलियासी को पत्नी की हत्या के मामले में दोषी ठहराया। पंजाब के गोहना में नहर टूटने से कई हजार एकड़ फसल बर्बाद हो गई। हरियाणा पुलिस ने रोहतक से एटीएम की क्लोनिंग कर रुपए ठगने वाले को गिरफ्तार किया। हरियाणा पुलिस ने पत्नी की हत्या कर शव के टुकड़े करने वाले पति को गिरफ्तार किया। बिहार के वैशाली में एक लड़की की खंभे से बांधकर बेरहमी से पिटाई की गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना सिटी के गुरुद्वारे में मत्था टेका। बिहार के समस्तीपुर में समीक्षा यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को काले झंडे दिखाए गए। बिहार के अरवल में 4 साल की एक बच्ची के रेप का मामला सामने आया है। बिहार के कैमूर में गैंगरेप का विरोध करने पर एक महिला की पिटाई का मामला सामने आया। असम के नलबाड़ी में एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 सदस्यों की मौत हो गई। यूपी के बहराइच में अस्पताल परिसर में कूड़े के ढेर और गंदे पानी की वजह से हालात बदहाल हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में शीतलहर ने लोगों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। यूपी के आजमगढ़ में एक आदमी 3 महीने बाद अपनी मां को वृद्धाश्रम से वापस ले गया। आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री ने अमेरिका में अप्रवासी भारतीयों से मुलाकात की। चीन की एक कंपनी ने 10,000 फीट लंबा नूडल तैयार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है।